अरे पाड़ा रे भीते सावा में भाई रे ते मारिया बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू पूरी तैयारियों में जुट चुकी है जनता को लुभाने में। नीतीश कुमार की खुद बात करिए जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो खुद पार्टी दफ्तर के अंदर पहुंचते हैं और तमाम मुद्दों पे वो कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं। लेकिन हम आपको जेडीयू पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको ये जो लोग दिख रहे हैं ये कोई कार्यकर्ता नहीं है बल्कि प्रदर्शन में पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। नीतीश कुमार यानी जेडीयू को घेर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। हम इन लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग हैं कौन और किस लिए उतरे हैं। आप लोग हैं कौन और किस लिए उतरे हैं यहाँ? हम लोग जो है पंचायती राज के अधीन जो है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी उसके तहत आउटसोर्स कर्मी थे। 12 जिला में ये योजना चल रहा है जिसके अंतर्गत पंचायत में जितना भी वर्क हुआ है GPMS एंट्री हर पंचायत लेवल में बिहार सरकार का ऑनलाइन ये चलता है जिसको जितना भी अकाउंटेंट हैं वो लोग पूरा किए। डाटा एंट्री के सहयोग से जो है डाटा एंट्री और अकाउंटेंट दोनों मिल करके जो उसको अपलोड किया हर एक कार्य को जितना भी पंचायत स्तरीय है उसको हम लोगों ने पूरा किया। आज 2 वर्ष हम लोग का पूरा होने जा रहा है और हम लोग को जो है नौकरी इस कोरोना काल में हम लोगों ने जो है जनता का सहयोग देने के लिए BDO साहब के अंतर कहने पर BPM के कहने पर हम लोगों ने हमेशा सहयोग किया है। आप लोगों को हटा दिया गया? जी हम लोग को हटा दिया गया है। इस 30 सितंबर से हम लोग को हटा दिया है, रेजिस्ट्रेटर आ गया है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि हम लोग को समाहित किया जाए PRD में और हम लोग को जो है एक्सटेंशन उस टाइप से बढ़ाया जाए जिस टाइप से जो है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के अधीन जो है जो उन लोग को समाहित किया गया है हम लोग को भी समाहित किया जाए, हम लोग को एक्सटेंशन किया जाए। ये बताइए अपनी समस्याओं को लेकर आप लोग कहाँ कहाँ गए थे? हर जगह, हम लोग हर जगह गए। सबसे पहले हम लोग मंत्री के पास हम लोग गए, हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पास गए, उन्होंने भी सिर्फ संतावना ही दिया है। उनके बाद फिर हम लोग अमृतलाल मीणा से भी मिले, उन्होंने भी सिर्फ संतावना दिया। जितने भी मंत्रिमंडल से जान पहचान से सबसे मिले हम लोग, सबने सिर्फ संतावना दिया है। लिखित रूप में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। आश्वासन से सिर्फ मिला आपको, इसलिए आज आप सड़कों पे झूठी आश्वासन दिन जा गया है। हम लोग लगातार उनके पैर पकड़ रहे हैं कि सर हम लोग का जनोद्धार किया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि आउटसोर्स के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है जिसे आपको हम किसी विभाग में मर्ज कर दे। तो बताइए 2 साल हम लोग अपना योगदान क्यों दे, क्यों नहीं? सारे के सारे जो लोग हैं आउटसोर्सिंग के द्वारा इनकी नौकरियां लगी थी। देखिए चारों तरफ सिर्फ आपको प्रदर्शन कर्मी ही दिखाई दे रहे हैं, सभी अपनी मांगों को लेके जेडीयू दफ्तर को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए पुलिस की जीप पहुंची हुई है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हटे। आप लोग कौन है? आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं बताइए जी। गर्दानी बाग में इससे पहले हम लोग हैं कौन ये बताइए? सुरक्षा करी। अच्छा यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं? यहाँ पे पहुँचे हम लोग अपने रोजी के लिए। हम लोग को काम पे रखा गया, उस टाइम में कहा गया कि सबको नियमित रूप से रखा जाएगा। हाँ। लेकिन आज सभी लोगों से रोजी छीन लिया गया है, सबसे नौकरी छीन लिया गया जी। कहाँ कहाँ पहुँचे थे अपनी आवाज? अपने गांव में गर्दानी बाग में 1 सप्ताह धरना दिए, चंपारण गए थे, वहाँ से लाठी मार। आश्वासन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। तो आज आप सड़क पर उतर चुके हैं जी, नीतीश कुमार से मिलने पहुँचे जी, मुलाकात हुई है किसी से नेता से यहाँ? जी जी हम लोग के साथ क्या किए करेंगे सरकार से, हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से। चलिए सरकार से काफी नाराज है और एक बार हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहिए, हम कैमरामैन से अपील करेंगे इस तस्वीर को आपको दिखा दे। एक तरफ आपको यहाँ पे पुलिस कर्मी ही कर्मी दिखाई देंगे, दूसरे तरफ प्रदर्शन कर्मी जो है वो काफी संख्या में है। कुछ और भी प्रदर्शन कर्मी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आप लोग हैं कौन और किस लिए यहाँ पहुँचे हैं? सुरक्षा कराए हम लोग, सभी सुरक्षा प्रेरक दूत हैं और हम लोग की मांगे है सरकार से वेतन मान और कार्य निर्धारित होना चाहिए। आज आप दफ्तर को घेर लिए, इसके पहले किसी मंत्री से किसी सर, से बात? हम लोग सभी को लेटर दे चुके हैं और बात भी कर चुके हैं, इससे पहले भी कई बार ने हम लोग अपना मांग पत्र दिए हैं और हम लोग की कोई सुनवाई नहीं की गई है, बार बार टाला जाता है। आज से कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी को लेटर भी दिया गया था जिसके माध्यम से कि उन्होंने फिर उस लेटर के माध्यम से कुछ दिन के बाद में कहा गया कि तक यहाँ पे खड़े रहेंगे हम लोग की मांगों जब तक पूरी नहीं की जाए तब तक हम लोग खड़े रहेंगे। चलिए जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। देखिए एक और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं,
देखिए यहाँ पे भी कुछ महिलाएं हैं, वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। आप लोग किस बात से नाराज है, क्या मांगे हैं, किस मांगों को लेकर उतरी? आप लोग पूर्णिया जिला से आए हुए हैं। क्या बोली? मैं बोलती हूँ, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस लिए उतरी हैं, क्या मांगे हैं आप? मेरी मांगे है कि हम लोग 5 साल से पंचायत में काम सरकार हमसे करवा लिया, प्रेरक पे शौचालय पे काम कराया, साफ सफाई पे काम करवाया, हमें एक भी मानदेय नहीं मिला, नहीं हमारे सरकारी कर्मचारी का आधा मिलता है। हम लोग क्या है, मिट्टी का ढेर है कि सरकार हमसे काम करा के लात मार देती है? हमें भी तो मुंह है खाने का, हमारे पास भी तो बच्चे हैं, हमारा भी तो संसार है। सिर्फ सरकार का सेवा करेंगे और खाएंगे कुछ नहीं। किन किन लोगों से बात हुई, किसी भी मंत्री अधिकारी से आपकी पहले बात हुई? बहुत ऊपर तक बात हो चुकी है, जब नहीं सुना है तब हमें यहाँ। तो आप सड़क पे उतर चुकी है, इसलिए आप सड़क पे उतरी है। आज आज मिलकर ही जाएंगे, आज मिलकर ही जाएंगे, यही रहेंगे। घर घर शौचालय दिख रहा है, उसका हम लोग का देन है। कारण है स्वच्छाग्रही। आज स्वच्छाग्रही नहीं होता तो हमारी बहू बेटी को जो इज्जत जाती थी खुले में शौच करने से, रात दिन जो रेप होता था, आज वो बंद है। उसका कारण एक स्वच्छाग्रही। आज हमारे वजह से घर घर में शौचालय है, और जवान जवान लड़की बाहर जाती थी उसके साथ बलात्कार हो जाता था, तो लोग कहता था समाज का लोग कि उसका माँ बाप ऐसा है। तो नहीं सरकार, जब तक आपकी मांगे नहीं सुनी जाएगी आप लोग यहाँ पे खड़ी रहेंगे। हम लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। काफी समय से ये लोग अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। इसी को लेकर जदयू पार्टी दफ्तर के आगे जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। देखिए तमाम संख्या में जो प्रदर्शनकर्मी हैं वो पहुंचे हैं, सब अपनी अपनी मांगों को लेकर। चारों तरफ आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव है तो जो सरकार है वो जनता को लुभाने में लग चुकी है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे सामने आ रही है। एक तरफ जदयू पार्टी दफ्तर के आगे, आप मान लें कि इन लोगों ने पूरे दफ्तर को घेर लिया, और इनका कहना है कि अगर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। ऐसा ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।